सरकार ने कैसे पीछे हो जाए, 3 कृषि कानून बनाया था और ये केंद्र सरकार का निर्णय था। अब इसके बाद अभी आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको घोषित कर दिया कि हम इसको वापस ले लेंगे इसी अगले सत्र में ही। तो जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई, इसलिए इसमें कोई खास बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने पहले निर्णय लिया और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। कि ये कहा जा रहा है बार बार कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उसको लेकर ये वापस किया गया। नहीं, अब ये इसके बारे में तो कौन क्या बोलता है ये तो सब अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो 3 कृषि कानून के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह ही स्टेट दे दिया है स्टेटमेंट और पूरी बात कह दी है, तो इसलिए तो सब बात स्पष्ट है, उसमें कोई चीज अस्पष्ट नहीं है। और बाकी तो जिसको विपक्ष का जिसको जितना बोलने का मन है बोलता रहेगा। अहंकार देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलते रहते हैं लोग, बोलते रहेंगे, लेकिन मूल जिनको निर्णय लेना था उन्होंने अपने निर्णय का ऐलान किया, महत्वपूर्ण वो चीज, और बाकी कोई निर्णय थोड़े ही लेते हैं। तो बाकी लोगों को भी बोलने का अधिकार तो है ही, तो अपना बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली में लालू जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भी ऐसी अब आंदोलन करने की जरूरत है, ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है। अभी कहा उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है, उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं एक साथ, हम लोग हमसे मिले भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया, उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी तो जो चिट्ठी उनकी पार्टी की तरफ से आया था वो तो चिट्ठी रखा ही हुआ है ना, सब हमको उन्होंने भी वहाँ भी हमने भेज दिया था कि वहाँ नहीं होगा तो राज्य में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तो ये कहा ही है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। हम लोगों के ही मन में बात है, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उसके बारे में करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक शराबबंदी को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक किया, कई घंटों तक बैठक हुई, आपको ये लगता है कि हाँ बिहार में कुछ लोग हैं जो आपके इस शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।